नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक यादव आपके सुपर स्टडी आई क्यू चैनल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का पेपर, आप लोग का, सभी लोग का, जितने भी एटीसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका पेपर आ गया। ठीक है, अब आ गया पेपर। ठीक है, अब उनका पेपर है 29 और 30 को है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी एकदम पूरा जोरों शोरों से हो गई होगी, अब कंप्लीट हो गई होगी। अभी आपको कुछ भी नहीं करना, अभी आपको रिलैक्स फील करना है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इसे मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों के साथ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस, क्या है, कैसे करना है आपको। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी एग्जाम के। ठीक है, आपको देखो मैथ और फिजिक्स का जो टेक पोर्शन है, टेक्निकल पोर्शन रहेगा, उसे टेक बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका 30 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 30 क्वेश्चन किसका रहेगा, टेक्निकल फिजिक्स का रहेगा। ठीक है, फिजिक्स का 30 30। और उसी तरह नॉन टेक है, नॉन टेक में आपको 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, लगभग 4 पोर्शन। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन ईच रहेगा, 15 क्वेश्चन ईच। ठीक है, तो आपको समय भी मिल रहा है, लगभग 2 आवर्स का समय है, बहुत अच्छा समय है। ठीक है, आप थोड़ा सा पेपर भी आपका मैथ फिजिक्स जो रहेगा थोड़ा सा लेंदी रहेगा। ठीक है, फिर भी करने लायक रहेगा, आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास आप कर लोगे। ठीक है, तो आप 2 घंटे आप टाइम को मैनेजमेंट करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप पहले जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड देन आप उसके बाद मैथ और फिजिक्स को आप टच करिएगा। ठीक है, अब 5 मिनट आप लास्ट मोमेंट को, जो लास्ट मोमेंट जब आप स्किप करना होगा, जब ये बंद करना होगा, तो 5 मिनट आप क्या करिएगा, उसे बचाए रखिएगा कि 5 मिनट में आप क्या करिएगा, रिकैप करना, सबको एक बार रिकैप करना एक बार। ठीक है, सब सारे क्वेश्चंस को एक बार देखना है। ठीक है, कहीं से आप कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं। ठीक है, और जो नई क्वेश्चन आ रहा है उस पर थोड़ा सा समय लगा सकते हैं। ठीक है, तो 5-10 मिनट आप लास्ट के सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, आप लोग सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। और एक और आपसे बंद करने से पहले आपसे ही कहूँगा, एक मोटिवेशन आपको कोटेज बोलूँगा। ठीक है, जिसे आप देखिए एक बार। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है मोटिवेशंस, आपको अगर इच्छा शक्ति ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं कर सकते, इच्छा शक्ति बनाना जरूरी है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे हमारे आइडियल हो, ठीक है, ऑल पावर इज विद इन यू, कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कहे थे स्वामी विवेकानंद जी, आपके अंदर सारी शक्ति है, आप ही कर सकते हो, आप सब चीज़ दुनिया में सारी चीज़ को आप कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो इसका कहने का मतलब यही कि स्वामी विवेकानंद जी का कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर ली, कि आपने मान लिया, ठान लिया जीत, मान लिया तो हार, नहीं तो ठान लिया तो जीत। ठीक है, आपने अगर मान लिया है कि मुझे जीतना है, तो आप जीत जाओगे, आप ही करोगे, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा यार, आप ही जैसे तो लड़के हैं वहाँ पे करने वाले, उनकी इच्छा शक्ति आपसे प्रबल होगी, तभी ना वो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार मानिए, एक बार पूरा शक्ति को लगाइए, आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट मोमेंट और कहूँगा, आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक फॉर माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग को इस एग्जाम के लिए, एटीसी एग्जाम के लिए। ठीक है, और आप जैसा भी रिव्यू रहिएगा, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगा एक कोटेज के माध्यम से, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। अगर आपने मान लिया, ठीक है, शक्ति मान लिया, तो आप जीत सकते हो। ठीक है, अगर आपने पहले ही हार मान लिया, पहले ही कमज़ोर हो गए, तो आप क्या मर जाओगे, लगभग मतलब आपको मरने के समान है, आप हार जाओगे। ठीक है, तो आप यही मानो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, अगर आप मानोगे तो भी कर सकते हो, ठान लियो कि करना है तो करना है। ठीक है, आप ये मत मानो कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ये मानो कि हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतम क्या हो सकता है यार, अधिकतम यही हो सकता है कि एक नई सीख, अगर हार मानते हो तो अगर हारोगे यही हो सकता है, हार या जीत, अगर हारोगे तो यही हो सकता है कि आपको नया सीख मिलेगा, एक नया वो मिलेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप जीत जाओगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन है, आप कर सकते हो। ठीक है, इतनी इच्छा शक्ति को प्रबल करो और मानो कि हम कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग्स एंड एवरीथिंग्स, ऑल पावर इज विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करके आप रिलैक्स महसूस करिए। ठीक है, आप कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच दोस्तों।